धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिघने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता। यदि यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी के तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्ट्रॉइड सीखों की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग यह 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहकर दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, ये तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वे धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया, और वह प्रजाति थी मेमल्स की। मेमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से?
आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। मैनमल्स इसी जंगल में रहते थे। एप्स ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए। एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने ने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। जो थे आर्डिपिथिकस रामिडस, ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास कर्ण के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और उसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था।